मैम यहाँ पे मैम यहाँ मैम मैम यहाँ वेट नो नो नहीं नहीं अभी बहुत बात है हो गया भाई आपका वो है लाइट में भाई लाइट में कितना बच गया यार थोड़ा सा वीडियो अरे पीछे वाला देखना ये लोग किसका बैटर है थैंक यू हेलो क्या मैम नमस्ते सेंटर मोबाइल थोड़ा नहीं 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 इज ओके जबरदस्त है ना ओके ओके सीट 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 ओके मैम राइट मैम समझिए राइट समझिए राइट सेंटर सेंटर मैम राइट मैम लेफ्ट मैम चलो Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Come on. Happy birthday. Come on, yahan pe. Hum khilate ho. Khilate ho. Ah, dono ko. Are tissue hai apne paas? Tissue hai kya? Kapda hai na. Bhai ruko, piche pehen to karne de mujhe. Very nice. Aise to gaya, wo kapde ki gaadi ho gaya. यस राइट राइट लोग यहाँ देखा ही नहीं देखेंगे दिनेश को बोर्ड है आपको आपको खिलाया नहीं आपका बर्थडे आपको ही अरुण खिला मत अरुण बात अरुण नहीं यार देख अपने अरुण जा देख अरुण अरुण यार देखा है यार देखा है क्यों 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 बच्चा हाँ जी अरुण सबसे पहला विश मेरा विश किसने किया मुझे बर्थडे विश एक्चुअली मुझे लोग कल से विश कर रहे हैं दे थिंक कि मेरा बर्थडे थर्ड को है फिर कोई आता नहीं फोर्थ को है सो आई हैव बीन गेटिंग बर्थडे विशेस सिंस यस्टरडे हु वाज द फर्स्ट वन टू विश मी यस्टरडे आई थिंक द फर्स्ट वन टू विश मी नहीं 12 बजे के बाद से काउंट करूँ तो फिर मेरी पूरी फैमिली आ गई थी 12 बजे तो सो एवरीबडी विश मी विद जेम्स एंड यू नो माई होल फैमिली या ओके तो अब जितना भी टाइम है आपके पास कैसे सेलिब्रेट करने वाले एक तो मीडिया के साथ में हो गया हमने देखा जी अब सबसे पहले मैंने आप ही लोगों के साथ सेलिब्रेट किया है सो जी सो मैम आज के प्लान्स क्या पहले तो ये जानना प्लान्स कुछ नहीं यार आई यूजली जस्ट सेलिब्रेट माई बर्थडे विद वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली हम लोग बैठ के चिल करते हैं गप्पे मारते हैं एक थीम रख देती हूँ मैं ताकि थोड़ी एंटरटेनमेंट हो जाए सब फोटोज़ में अच्छे लगे हैं दैट्स इट ओके मैम आज का गेटअप देखे ना कोई ईव के कॉन्सेप्ट में कुछ तो प्रिंसेस तो लग ही रहे बट इजिप्ट के कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ईव की कोई कॉन्सेप्ट थैंक यू एक्चुअली ग्रीक कॉन्सेप्ट है आज का मेरा बर्थडे का इट्स ए ग्रीक थीम सो As you can see, it's all Greek gold stuff, and they wear plain white and थोड़ा सा gold jewelry से वो enhance करते हैं अपने costumes को. So I just love that. और मैं अभी Greece से आ रही हूँ ना, तो मुझे Greek का Greece का भूत सवार है. Okay, हाँ, मैंने ढेरे सारी pictures भी देखी आपकी. Thank you. तो कैसा रहा experience? क्योंकि ढेरे सारे कुछ एक beautiful pictures थी, कुछ एक hot थी. Hot है? Hot pictures मैंने पहले देखी होंगी. हाँ, मैंने. नहीं, बहुत मज़ा आया.
Mykonos has become one of my most favorite destination. It's beautiful, it's mind blowing. So you can see कि मैं कितना miss कर रही हूँ कि मैं अपने birthday पे भी उनकी theme रख रही हूँ. ओके मैम, कोई एक मेमोरेबल बर्थडे हो क्योंकि इतने साल से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थडे, तो क्या कोई मेमोरेबल बर्थडे या कुछ ऐसी कोई यादें? यार हर बर्थडे मेरा मेमोरेबल रहता है बिकॉज मैं हमेशा, जैसे मैंने कहा कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ सेलिब्रेट करती हूँ जो जेन्युइनली मेरे अपने हैं, जो जेन्युइनली मेरे साथ खुल के रहते हैं. दे आर वल्नरेबल, वी आर ऑल टुगेदर. और वह जब आप इतने टुगेदर रहते हैं तो यू नो जो माहौल बनता है वो ऑटोमेटिकली इतना बेहतरीन बनता है. आई थिंक मेरा सबसे बेस्ट बर्थडे आज होने वाला है. ओके, लोग कहते हैं कि बर्थडे के दिन जो विश मांगते हैं वो पूरी होती है, तो आज का अगर कोई आपको विश मांगनी हो? अरे यू नो मेरी सारी विशेज पूरी हुई हैं, टच वुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम रियली ब्लेस्ड. एंड मैंने, मुझे ये नहीं पता कि बर्थडे के दिन मांगते हैं वो पूरी होती है, बट मुझे ये पता है कि जो भी दिल से मांगो वो ज़रूर मिलेगा. सो जो भी मैंने मांगा दिल से मांगा और मुझे अल्लाह ताला ने भरपूर दिया है और आगे मुझे दे ही रहा है. सो आई एम जस्ट सुप्रीमली ग्रेटफुल. ओके, यस्टरडे आपकी वेब सीरीज भी लॉन्च हो गई है, फोर्थ एपिसोड जो का, फिफ्थ एपिसोड हमारा, फिफ्थ एपिसोड एक्सेप्टेंस. सो कैसा रिस्पांस रहा? आप लोग जाके प्लीज़ पढ़िए कमेंट्स, आपको पता चलेगा कैसा रिस्पांस है. हम तो रिस्पांस पढ़ के बस ऐसे दिल से फूले नहीं समाते हैं, बिकॉज एक तो होता है कि आपको पता होता है कि पसंद आएगी लोगों को, हाँ ऐसा आइडिया है, बट इतना पसंद आएगी ये ऑनेस्टली हमें नहीं पता था. और हर बार जब हम एक फिल्म रिलीज़ करते हैं तो थोड़ी बहुत ये रहती है कि पता नहीं ये सब्जेक्ट कैसा लगेगा, ये टॉपिक पर क्या रिएक्शन होगा, बट हर एक टॉपिक पर इतना बेहतरीन रिएक्शन है लोगों का. आई जस्ट डोंट हैव वर्ड्स, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट थैंक यू सो मच for appreciating my work, my performance, the kind of project that we are making, and thank you so much for believing in us and giving us all the respect that you are giving. Okay, thank morning mein main aaj aapke insta padh raha tha, wahan pe bahut sare fans ne bahut comments kiya, to mashallah aise bhi bahut jane kaha hai ki jitne birthday ja rahe hain aap utne hi young hote ja rahe hain. Ha, to uska kuch raaz agar tum bata sake. Main har bar plastic surgery kara ke aati hu. अभी झूठ बोल रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, प्लीज़ मेरी बातों को सीरियस ना लिया करें. यू नो यंग आदमी खुश रहने से लगता है. मैं बहुत पिछले, जब से जेम्स मेरी लाइफ में आए हैं तब से तो ज़्यादा ही यू नो खुश हूँ. कहते हैं ना प्यार, सबसे ज़्यादा खुशी प्यार से ही मिलती है इंसान को, तो मेरी ज़िंदगी को उन्होंने प्यार से भर दिया है और जो भी खालीपन था मेरा वो पूरा हो गया है. सो आई एम ऑलवेज हैप्पी. मेरी ज़िंदगी में इतने बेहतरीन दोस्त हैं जो मेरे लिए जान देते हैं, उससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको लाइफ में. मेरी इतनी अच्छी फैमिली है जो मेरे यू नो एक ज़बान पे कुछ भी करती है. सो जब आप ये रियलाइज़ करने लगते हैं, जब आपको ये एहसास होता है कि आपके पास कितना कुछ है सेलिब्रेट करने के लिए, थैंकफुल होने के लिए, तब ना आपकी लाइफ, आपकी रूप रंगत सब बदल जाता है. और ये आई नो बहुत लोगों को बड़ा अजीब लगता है जब मैं कहती हूँ कि अरे ऐसा थोड़ी होता, तो हम भी लगते हैं. तुम लगोगे जब तुम ऐसा महसूस करोगे, तुम खुद मुझे कहना उस दिन आके. देखो एक दिन अपने आप को आईने में, जिस दिन सैड हो उस दिन एक फ़ोटो खींचो, और जिस दिन खुश हो उस दिन एक फ़ोटो खींचो, दोनों फ़ोटो में इतना अंतर आएगा तुम्हें लगेगा तुमने प्लास्टिक सर्जरी की है. ओके, आपने अपनी तो विश बता दी, पर आपकी फैमिली की भी विश. थोड़े दिन पहले रिजवान जी मिले थे तो उनसे हमने पूछा था आपके बारे में. अच्छा, मैं बहुत ही खुश हूँ जो भी आपने मुकाम हासिल किया है, बट एक विश है कि आपको सेकंड विश एज अ मैरिड भी देखना चाहिए, तो आपकी कोई प्लानिंग अगर कुछ? हमें बाइक भी बोल बाइक अगर वो शादी इसलिए कराना चाह रहे हैं सारे मेरी, ताकि उनको पार्टी मिले बस. और कोई लेना देना नहीं है किसी को. यार आई एम सेटल ओनली, क्या होता है एक लड़की का सेटल होना? ज़रूरी थोड़ी है कि किसी इंसान की शादी हो तभी वो सेटल हो. सेटल यहाँ से होना चाहिए ना. आपको मैं अनसेटल लगती हूँ कहीं से भी, किसी को भी? सो आई एम सेटल, वेरी मच सेटल. हाँ पार्टी देनी है, एक शादी का माहौल है, एक वाइट ड्रेस, मैंने आज तो मैंने वैसे ही वाइट ड्रेस पहनी है, बट वो भी कर लेंगे, उसमें क्या, जब मन आया तब कर लेंगे. जवान तो मैं हुई वैसे. बहुत आप हमेशा रहेंगे. और इसके अलावा मैम, अगर कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आप शेयर करना चाहें? अभी हम एक फिल्म पे काम कर रहे हैं हमारे प्रोडक्शन के अंदर, बहुत इनिशियल स्टेज पे है, बट बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है और विद इन अ मंथ और टू मैं आपसे सब शेयर कर पाऊँगी. राइट नाउ वी आर इन अ सब कुछ मिलेगा. एक्चुअली इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैरेक्टर, यू विल फॉल इन लव विद हर. ओके मैम, दो आखिरी क्वेश्चन. आज किशोर जी की भी बर्थडे है, तो कोई एक फेवरेट सॉन्ग आप अगर डेडिकेट करना चाहिए या आप गा के? किशोर दा का, किशोर दा मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सिंगर है.
कोई भी आपके जहन में या आपके दिल के करीब? मुझे एक्चुअली उनका ये गाना बहुत पसंद है, जो मैंने अपनी वेब सीरीज़ में भी गाया है, जो अपनी शॉर्ट फिल्म में कंपैशन में, कि ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना। So I really like that song and I really want to dedicate that song to all my fans and all of you watching me, because I want to tell you that really, it really is the thing ki mat ghabrao, ek hi zindagi hai, jiyo khul ke. Aur I think yahan yahi par aapka naya ghar bhi hai, is to bataiye aapne, aisa kuch hai. ओके लास्टली कल फ्रेंडशिप डे भी है, आपके बहुत ढेरों सारे फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में, अमृता खंडविलकर ने भी आपको बहुत अच्छे से बर्थडे विश किया और भी बहुत जन ने विश किया, तो कल कुछ है कोई प्लान्स सेलिब्रेट करने का? आई सेलिब्रेट फ्रेंडशिप एवरी डे, जैसे मैंने आपसे कहा कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव सम वंडरफुल फ्रेंड्स एंड आई मेक श्योर दैट आई लेट देम नो, यू नो बहुत बार ऐसा होता है कि आप किससे बहुत प्रेम करते हैं लेकिन आप बताते नहीं हैं. मैं हर बार जब उनसे कॉन्वर्सेशन करती हूँ या कभी कभी उठती हूँ तो इतने ग्रैटिट्यूड से मन भरा होता है मेरा कि मैं एक सबको मैसेज भेजती हूँ, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ एंड थैंक यू फॉर बीइंग माय फ्रेंड, थैंक यू फॉर चूजिंग मी टू बी योर फ्रेंड, यू नो बिकॉज कहाँ मिलते हैं आजकल दोस्त यार. सो एक फैमिली एक ऐसी होती है जो आपको भगवान ने दी होती है, कुदरत ने दी होती है, आप उसमें पैदा होते हैं, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, बट फ्रेंड्स आप चूज़ करते हैं, वो हक आपका है. सो और फ्रेंड्स भी कहाँ कौन से जन्म से आपको कहाँ कनेक्शन में आपका कार्मिक कनेक्शन है वहाँ से मिलते हैं, तो एक इंसान जिसका आपसे खून का कोई रिश्ता नहीं है मगर फिर भी वो आपके लिए जान दे सकते हैं, ये इस मेरे लिए फ्रेंडशिप से बड़ी कोई बात है ही नहीं, कोई फीलिंग ही नहीं है, तो मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं. ओके आखिर में आपको भी पता है ये इमेंस नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑफ फैंस, तो आपके लिए क्या कहना चाहेंगे जो सुबह से आपको विश कर रहे हैं? हाउ स्वीट यार, आई वांट टू नाउ टेल एवरीबॉडी, सॉरी आई हैव नॉट बीन एबल टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू, आई हैव बीन क्रेजी बिजी, आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल दैट थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई रियली आई एम सो टच्ड एंड सो हम्बल्ड बाय योर लव एंड बाय योर कॉम्प्लीमेंट्स ईच एंड एवरी डे, यू हैव नो आइडिया वॉट यू गिव मी, so thank you so much for that genuine respect and love and keep it flowing and thank you for all the birthday wishes, I am truly grateful to have you guys in my life, so and know that I love you all, you are not supposed to give up, you're all stronger than what you think you are, so stand by, just keep hanging in, you will be fine, I know that, so I'm here, I just want to say that I love you and I care for you immensely. Just stay happy and thank you so much for wishing me. It's my birthday. Yay! Yay! Thank you. Thank you guys. God bless you. Thank you.